हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज पेटोरियल्स, यानी कि पेट ट्यूटोरियल्स। यहाँ हम आपको इंफॉर्मेशन एंड टिप्स प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू योर पेट्स फीडिंग हैबिट्स, टू हाउ टू टॉयलेट ट्रेन देम एंड मेनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। प्लीज डू फॉलो अस। एंड आज का हमारा टॉपिक है हीट इन डॉग्स या पीरियड्स इन डॉग्स। तो हीट साइकिल क्या है या पीरियड्स क्या है डॉग्स के अंदर एंड वो कब स्टार्ट होते हैं, इसके बारे में हम आज आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। डॉग्स के अंदर जो बेसिकली पीरियड साइकिल या हीट साइकिल स्टार्ट होती है वो होती है 6 मंथ ऑनवर्ड्स। कुछ डॉग में फर्स्ट हीट साइकिल 6 मंथ्स पे आती है एंड कुछ डॉग्स पे 10 मंथ्स या 11 मंथ्स में भी हीट साइकिल आती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर 6 मंथ्स या 7 मंथ्स में हीट साइकिल नहीं आई तो हमें घबराने की ज़रूरत है, वी कैन वेट फॉर सम टाइम। कई कई डॉग्स में देखा गया है हीट साइकिल जो उनकी फर्स्ट साइकिल है पीरियड साइकिल वो 15 मंथ्स पे भी आती है। एंड ये कितने दिन तक स्टे करती है, जो ब्लीडिंग पीरियड होता है वो इनिशियली आपके पेट के अंदर फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है एंड इट स्टेज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 days to 15 days। हीट साइकिल का जो पीरियड है वो 10 to 15 days का है। इसमें डॉग्स की जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही मिनिमम होती है। ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। यस, आप अगर उनके साथ कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या आप उन्हें कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं इन द कार, तो देर आर मैनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट जो आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। सो देर आर सिम्टम्स जब आपको पता चलेगा कि आपके पेट की हीट साइकिल स्टार्ट होने वाली है। इवेंचुअली हफ्ता या 10 दिन पहले जो पेट है वो बहुत स्लो हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है एंड थोड़ा सा डाइट में भी चेंज आता है। दे टेंड टू स्लीप मोर या रेस्टिंग मोड पे होते हैं एंड उनको खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती। दे अवॉइड ईटिंग फूड। अगर वो 2 मील्स ले रहे हैं तो दे विल स्टार्ट हैविंग 1 मील अ डे एंड उनका जो टमी एरिया है वो काफ़ी वार्म या हीटेड होता है। अदर देन देयर बॉडी टेम्परेचर उनका टमी एरिया थोड़ा सा हीटेड होता है। दिस शोज दैट योर पेट इज अंडरगोइंग हार्मोनल चेंजेस एंड उनकी हीट साइकिल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। एंड ड्यूरिंग द हीट साइकिल जो 10 to 15 days का साइकिल होता है उसमें जो है ब्लीडिंग होती है एंड देन ऑल्सो दे टेंड टू रेस्ट मोर एंड वो खाना जो है थोड़ा सा कम खाते हैं एज कम्पेयर टू देयर यूजुअल डाइट। धीरे धीरे आफ्टर द हीट साइकिल गेट्स ओवर, उनका जब पीरियड साइकिल ख़त्म हो जाता है, दे स्टार्ट हैविंग हार्मोनल चेंजेस अगैन। उनकी डाइट येस थोड़ी सी कम रहती है फॉर अनदर वीक और सो एंड उनका खाना में जो है दे लाइक टू हैव सर्टन स्टफ ओनली, उसके अलावा उन्हें ज़्यादा खाना पसंद नहीं आता है एंड दे कीप ऑन रेस्टिंग फॉर सम टाइम। दिस शोज कि आपका पेट प्रॉपर हीट साइकिल से गुजर रहा है। बट इसमें हमारे अंदर एक मिथ होता है कि जो है बहुत क्लमजी हो जाएगा पेट ड्यूरिंग द हीट साइकिल एंड या गंदा करेगा। बट येस, जो पेट्स हैं, जो फीमेल डॉग्स हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड साइकिल, वो अपने आप को सेल्फ क्लीन करती हैं एंड आपको किसी भी तरीके की उनको हेल्प या क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और अगर आप उन्हें कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो आप उनको डाइपर्स पहना सकते हैं। मार्केट में हर साइजेस के, हर एज एंड हर ब्रीड के अकॉर्डिंग डाइपर्स अवेलेबल होते हैं। सो दीज डाइपर्स कम एज पर द पेट्स बॉडी वेट या उनकी ब्रीड के अकॉर्डिंग आप डाइपर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो वी रिकमेंड अगर आप अपने पेट की ब्रीडिंग नहीं करवाना चाहते तो इस दौरान आफ्टर 15 डेज ऑफ हीट साइकिल एंड ड्यूरिंग द हीट साइकिल आप उन्हें मेल पेट से, अगर आपके पास मेल पेट है या आप उन्हें बाहर वॉक पे ले जाते हैं तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आप उनको मेल डॉग से अलग रखिए अगर आप उनको ब्रीड नहीं करवाना चाहते। सो दीज आर द फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू कैन फॉलो ड्यूरिंग द हीट साइकिल और द पीरियड साइकिल ऑफ योर डॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।